हेलो, हेलो। रवि कुमार बोल रहे था। सुनिए, हाँ, रवि कुमार बोल रहा हूँ। आपका व्हाट्सएप नंबर है, आपका अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। आपका खाँसी करते खाते हैं ना, राजीव जी क्या का रिश्ता लगाते हैं, इसलिए बोले आपका। हुआ? तो आपने मैसेज क्या लिख के भेजा मुझे? तो एक तो गलती से लिख दी, चल गया मैसेज। आपका फोन उठाने से क्या करेंगे आपको? फोन नहीं उठा रहे, तो इसका मतलब आप गाली लिख के भेजेंगे? गाली लेके आप लोग फोन उठाना चाहिए था। कल जब अपने फोन उठा रहे हैं, हम देख रहे कहाँ से कहाँ आदमी खा ले। अगर काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है, तो आपका फोन, अगर आपका छोड़िए बहुत लोगों का फोन अगर मैं नहीं रिसीव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या आप गाली लिख के भेजेंगे? आप लोग रिसीव का नहीं करते? रिसीव करना था, अगर पैसा आपका लिख रही हुई इसमें फोन, क्या भेजते अगर हैं? आपका फोन नहीं रिसीव करूंगा, तो आप मुझे गाली लिखकर भेजेंगे? तो गाली लिखे में थे, गलती लिख के गलती लिखा गया। कैसे? गलती से कुछ वर्ड लिखता है, गाली नहीं लिखाया जाता है गलती से। अब मेरे तरफ हम सुनिए, अब मेरे तरफ से जो गलती होगी ना, उसकी जिम्मेदारी आप भोगेंगे, ठीक है? आपका आपका ये इसके बाद नंबर, दोस्तों इन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं वापस इनसे इनके पास फोन लगाया और इनसे बात किया हूँ। आगे सुनाता हूँ कि जब वापस हमारा बात हुआ इनसे, तो ये क्या बोल रहे हैं। फिर सुनिए आप, आपका नंबर मैं YouTube पे डाल रहा हूँ, फिर आप आराम से गाली देते बैठिए और सबको दीजिए, ठीक है? ताकि लोगों को भी मालूम पड़े कि आप कहाँ के रहने वाले, कितने सब परिवार को घर। दोस्तों अभी अभी एक व्यक्ति है, वो मुझे सुबह 4 बजे फोन कर रहे थे। मैं जब सुबह 5 बजे सो के उठा, तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन पे 2 मिस कॉल आई थी सुबह 4:30 बजे के आसपास में। तो मैं उस वक्त कॉल नहीं रिसीव कर पाया। यह एक मॉर्निंग का एक वीडियो बना के आपको डाला हूँ, जिसमें मैं सब कुछ आपको दिखाया, कब मैं ऑफिस आया, कब घर वालों से मिला, क्या कुछ। और उसके बाद ऑफिस आने के बाद मैंने मैसेज भी किया था कि मैं 2 बजे, मेरा एक दूसरा काम करता हूँ, ट्रेनिंग वगैरह चालू रहता है, मैं 2 बजे के बाद हर किसी के मैसेज का रिप्लाई दूंगा। और जितना भी आपका मैसेज आता है, कॉल्स आता है, मैं हर एक पे नज़र रखता हूँ और देखता हूँ। मुझे जो लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंस है, इसको इस मैसेज का या कॉल का रिप्लाई देना चाहिए, मैं तुरंत दे देता हूँ। अदरवाइज मैं 2 बजे के बाद फ्री होकर दूंगा। लेकिन दोस्तों एक हमारे बड़े भाई साहब हैं, अब उनके बारे में हम क्या कहें। मैं दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसा मैं कुछ अपना काम कर रहा हूँ, रुकिए अभी मैं बैक कैमरा ओपन करके दिखाता हूँ आपको। अभी फ्रंट वाला है तो बैक नहीं हो पाएगा। मैं कुछ लोगों की रिश्ते की जो प्रोफाइल है वो सिलेक्ट कर रहा था, मैच कर रहा था। और इसी दौरान एक भाई साहब है, या बहुत सारे लोग हैं, फ़ोन कर रहे थे। मैं अभी नहीं फ़ोन उठा रहा हूँ, मैं 2 घंटे बाद सबका फ़ोन उठाऊंगा। लेकिन इसमें से एक भाई साहब है, वो कॉल कर रहे हैं, उनका कॉल मैं नहीं रिसीव कर रहा हूँ, तो मुझे गाली दे रहे हैं, माँ बहन के ऊपर गाली दे रहे हैं। आप बताइए कैसे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए। जब उन्होंने गाली दिया, तो उन्होंने मैसेज में लिख के भेजा, तो मैंने तुरंत उनको कॉल बैक किया कि सर बताइए क्या तकलीफ है। मैं आपको ऑडियो भी सुना देता हूँ, आप बताइए ऐसे लोग के साथ में क्या करना चाहिए। इनका नंबर मैं आपको, क्या आप चाहते हैं कि अगर इस अगर इनका नंबर मैं अगर डाल दूँ इस वीडियो में, तो आप मुझसे न जाने कितने लोग फ़ोन करेंगे, और फिर उनको आप सबक सिखा सकते हैं। दोस्तों चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं उनका नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर सकता हूँ और आपसे कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति की एक बार ज़रूर आपसे बात कर लेना चाहिए या उनको समझाना चाहिए। मैं यहाँ पे लोगों की भले के लिए काम कर रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो उल्टी मेरी ही माँ बहन करने के लिए तैयार हैं। आप बताएं ऐसे लोग के साथ में क्या करना चाहिए। आदमी कितना पेशेंस रखे, कितना क्या कुछ करे। अभी देखिए आप समय क्या हो रहा है, उन्होंने कब फ़ोन किया, मैं उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाता हूँ। ये देखिए मैं ऑफिस में हूँ और कुछ लोगों की प्रोफाइल जो है वो मैं मैच कर रहा हूँ, थोड़ा नंबर मैं हाइड कर रहा हूँ ताकि पूरा नंबर किसी का कुछ दिखाई या किसी को ना दे। ये मैं दोस्तों काम ऑफिस में ही बैठ के कर रहा हूँ, ये सब काम ऑफिस में ही बैठ के कर रहा हूँ। और अभी आप समय देख लीजिए, टाइमिंग देख लीजिए, 10:15 इधर हो रहा है, 10:15 का समय है। और उनका कॉल कब आया था मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये देखे दोस्तों, उस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया है, मैसेज किए हैं, और उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला है, आप खुद इस चीज़ को पढ़िए एक बार। आप मुझसे जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ने आ रहा है, वो पढ़ के बताइए कि आखिरकार इस व्यक्ति ने इस मैसेज में क्या लिखा है। और ये जस्ट अभी की बात है, इन्होंने कब ये मैसेज किया है वो आप भी देख सकते हैं स्पष्ट, कि 10:11:05 पे अभी इन्होंने मैसेज किया है, और 11:15 अभी हो रहा है। सॉरी, मैंने आपको 10:15 कहा था, लेकिन दोस्तों 11:15 हो रहा है, ये अभी का मैसेज आया। अब बताइए इनके क्या करना चाहिए इनके खिलाफ़।